रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट ऐसे राइटिंग। यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? वन कॉज में हैव मेनी इफेक्ट्स और वन इफेक्ट में हैव मेनी कॉजेस। यानी कि पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ आर पीपल, यानी कि जो पॉल्यूशन है वो अफेक्ट कर रही है हेल्थ को लोगों की। अब यानी पॉल्यूशन क्या है, वो कॉज है, और जो जो चीज इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है वो लोगों की हेल्थ है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, उनके मुख्तलिफ कॉजेज होती हैं और मुख्तलिफ उसके सोल्यूशन होते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट ऐसे राइटिंग। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे इज टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड अ पर्टिकुलर अकरेंस एंड द आउटकम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दोज रीजंस। तो बुनियादी मकसद जो कॉज एंड इफेक्ट ऐसे का होता है, वो एनालाइज करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है रीजन बिहाइंड पर्टिकुलर अकरेंसेस। किसी खास इवेंट के पीछे क्या रीजन है, उसके क्या कॉजेज हैं। दिस टाइप ऑफ ऐसे ऑफन रिक्वायर्स अ क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। इस किस्म का जो ऐसे होता है, क्लियर और लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें रीजंस होते हैं क्लियर टू इफेक्टिवली कन्वे द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू द रीडर। रीडर तक अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का, कि क्या चीज कॉज बनी जिससे इफेक्ट हुए, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस भी इसमें दिए जाते हैं। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि स्टार्ट विद अ हुक, जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव आर्गुमेंटेटिव ऐसेज हैं। तो हुक में ये है कि आप जो है रीडर को अपनी तरफ उसकी अटेंशन ग्रैब करते हैं। बिगन योर एसे विद एन अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एनिक्डॉट और स्टेटिस्टिक दैट रिलेट्स टू द टॉपिक। यानी कि आप सवाल कर सकते हैं, कोई कहानी सुना सकते हैं, सवाल का जवाब भी आपने खुद देना होता है, फिर आपने अपनी एक थीसिस स्टेटमेंट बनानी होती है, उसी थीसिस स्टेटमेंट को आपने पूरे एसे में लेके चलना होता है, और कंक्लूड करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं उन्हीं पॉइंट्स पे जो बॉडी पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन किया था। प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, यानी इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं आप। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट फॉर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यू विल एक्सप्लोर। और मुख्तसर सा आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे मजीद उसको एलिब्रेट करना चाहते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? क्लियरली स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ योर एसे। यानी कि क्लियरली अपने ऐसे के मेन पॉइंट को आप स्टेट करें इंट्रोडक्टरी पार्ट में, विच इज द सेंट्रल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यू विल एनालाइज। मेक इट कंसाइज एंड स्पेसिफिक, उसको कंसाइज करें, शॉर्ट एंड कंसाइज करें और स्पेसिफिक करें। उसके बाद है बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ क्या है? यानी हर ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। अगर आपने 300 वर्ड्स के ऊपर लिखना है या 150 वर्ड्स पे ऐसे लिखना है, तो इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ हुआ, बॉडी एक पैराग्राफ हुआ, कंक्लूजन एक 3 पैराग्राफ्स होगा। अगर आपने बढ़ाना है 300 वर्ड्स पे अपना ऐसे करना है, 500 वर्ड्स पे करना है, तो बॉडी पैराग्राफ्स आप बढ़ा देते हैं, एक की जगह 2 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 पैराग्राफ कर देंगे, तो इस तरह से उसकी जो है वो लेंथ बढ़ जाती है। ईच बॉडी पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन कॉज और वन इफेक्ट। हर बॉडी पैराग्राफ फोकस करना चाहिए आपको एक कॉज को और एक इफेक्ट को। यू कैन चूज टू डिस्कस मल्टीपल कॉजेज लीडिंग टू वन इफेक्ट और मल्टीपल इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम वन कॉज। यानी कि आप चूज कर सकते हैं मल्टीपल कॉजेज किसी एक इफेक्ट के, या मल्टीपल इफेक्ट किसी एक कॉज के। टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस क्या है कि हर सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ का वो टॉपिक सेंटेंस से शुरू होगा। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो टॉपिक, वही चीज आपकी टॉपिक सेंटेंस कहलाएगी। स्टार्ट ईच पैराग्राफ विद अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द स्पेसिफिक कॉज और इफेक्ट यू विल डिस्कस। तो यानी कि ये इससे क्या होता है कि अगर आप टॉपिक सेंटेंस से हर पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, तो हर सेंटेंस जो अगला सेंटेंस है वो प्रीवियस सेंटेंस से जो है वो कनेक्ट होता है, कोहेरेंट होता है, टाई होता है, कोहेसिव होता है, लॉजिकल रीजन और कनेक्शन होता है, फ्लो ऑफ सेंटेंसेस जो बिल्कुल ठीक जाते हैं। वरना नॉर्मली स्टूडेंट का पहला पैराग्राफ कुछ और है, दूसरा कुछ और है, वो डिस्पर्स आइडियाज होते हैं। उसको कोहेरेंट और कोहेसिव आप टॉपिक सेंटेंस से बनाते हैं और सपोर्टिंग सेंटेंसेस से उस टॉपिक सेंटेंस के, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे।
एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस, आपने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, एविडेंस देने होते हैं, जिस तरह से आर्गुमेंटेटिव ऐसे में होते हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट की भी आप एक्सप्लेनेशन और एविडेंस देते हैं, प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड सपोर्टिंग एविडेंस टू इलस्ट्रेट हाउ द कॉज और इफेक्ट ऑपरेट्स, कि किस तरह से कॉज और इफेक्ट ऑपरेट्स करते हैं, यूज एग्जाम्पल्स स्टेटिस्टिक्स फैक्ट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस टू बोल्स्टर योर आर्गूमेंट। तो आपको एग्जाम्पल देनी होती है, स्टेटिस्टिक्स देने होते हैं, नंबर आदाद और शुमारियात और फैक्ट्स बताने होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन देनी होती है अपनी आर्गूमेंट को बोल्स्टर करने के लिए। ट्रांजिशन सेंटेंसेस या ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं जैसे कि दो है, ऑल दो है, अकॉर्डिंग टू है, हाउएवर, व्हेनेवर, तो ये तमाम ट्रांजिशन सेंटेंसेस या वर्ड्स जो वो लॉजिकल कनेक्शन लाते हैं, अपोजिट ओपिनियन या इत्तफाक करते हैं या अपोजिट ओपिनियन देते हैं। यूज ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कनेक्ट योर आइडियाज एंड इंश्योर अ स्मूथ फ्लो बिटवीन पैराग्राफ्स एंड आइडियाज। तो ये ट्रांजिशन वर्ड्स क्या करते हैं, फ्लो लाते हैं, स्मूथ फ्लो लाते हैं पैराग्राफ्स और आइडियाज के दरमियान, उसको कोहेसिव बनाते हैं, कोहेरेंट बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स होना चाहिए, देर आर टू प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स फॉर कॉज एंड इफेक्ट एसेज। दो किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स होते हैं कॉज एंड इफेक्ट ऐसे के, एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी उसमें टाइम के हिसाब से आप प्रेजेंट कॉज एंड इफेक्ट इन द ऑर्डर दे अकर इन टाइम, या फिर कॉजल चेन, मुख्तलिफ कॉजेज हैं, किसी एक इफेक्ट, कोई एक इफेक्ट नहीं है, बल्कि जो इफेक्ट आया है वो मुख्तलिफ कॉज की वजह से आया है। बिगन विद द इनिशियल कॉज एंड फॉलो इट थ्रू द चेन ऑफ इवेंट्स टू द फाइनल इफेक्ट्स। तो पूरी एक चैन ऑफ इवेंट्स चलती है कि फलानी प्रॉब्लम हुई तो ये भी वजह हो सकती है, ये भी कॉज हो सकती है, ये भी कॉज हो सकती है, तो एक फ्लो ऑफ चैन चलता है। काउंटर आर्गुमेंट यानी कि आपकी अपोजिट ओपिनियन, ऑप्शनल है, आप चाहे तो काउंटर आर्गुमेंट करें या ना करें, यानी मिसाल के तौर पे इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में महंगाई, कोई एक कॉज बता दी, किसी ने पेट्रोल, किसी ने बता दी महंगाई, किसी ने करप्शन बता दिया, किसी ने इनसिंसेरिटी बता दी, तो तमाम कॉजेज हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर टॉपिक यू मे चूज टू एड्रेस पोटेंशियल काउंटर आर्गूमेंट्स और अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। अपने अपोजिट व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं, काउंटर आर्गूमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दिस कैन स्ट्रेंथन योर एसे बाय डिमोन्स्ट्रेटिंग योर अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इससे ये होगा कि आपके एसे को स्ट्रेंथन होगा और आप डिमोन्स्ट्रेट करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के, आप डिफरेंट सोचते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। कंक्लूजन जो है वो नतीजा रीस्टेट करते हैं, आप अपने थीसिस स्टेटमेंट को जो मेन पॉइंट्स है उसको दोबारा से रीइंफोर्स करते हैं। समराइज द मेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यू डिस्कस इन योर एसे। जो आपने डिस्कस किया अपने एसे में उसी को ही आप कॉज एंड इफेक्ट को समराइज करते हैं। रीकैप की पॉइंट्स, की पॉइंट्स को आप रीकैप करते हैं। ब्रीफली रिव्यू द मेन कॉजेज एंड इफेक्ट्स यू एक्सप्लोर इन योर बॉडी पैराग्राफ। जो बॉडी पैराग्राफ में कॉज एंड इफेक्ट बताए उन की पॉइंट्स को आप रीकैप करते हैं। फाइनल थॉट्स होती हैं आपकी, ऑफर इंसाइट्स इम्प्लीकेशंस और रिफ्लेक्शंस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो आप जो है वो उसमें इंसाइट देते हैं, फ्यूचर की इम्प्लीकेशन देते हैं, अपना रिफ्लेक्शन देते हैं और सिग्निफिकेंस बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। डिस्कस एनी ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस और फ्यूचर कंसिडरेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। फिर उसके बाद है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, आप अपनी स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, यानी कंक्लूजन आ जाता है, एंड विद अ थॉट प्रोवोकिंग और मेमोरेबल क्लोजिंग स्टेटमेंट दैट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द रीडर, के रीडर के ऊपर जो है लास्टिंग इंप्रेशन पड़े, मेमोरेबल क्लोजिंग हो आपकी। फिर उसके बाद है लास्ट में, जब आप ड्राफ्ट कर लेते हैं तो आप रीड्राफ्ट के लिए प्रूफ रीड करते हैं, एडिट करते हैं। बिफोर फाइनलाइजिंग योर एसे केयरफुली प्रूफ रीड इट फॉर ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग एरर्स। फाइनलाइज करने से पहले ग्रामर, पंचुएशन, स्पेलिंग एरर, ये तमाम चीज़ें प्रूफ रीड करते हैं। इंश्योर दैट योर आइडियाज आर प्रेजेंटेड क्लियरली एंड कोहेरेंटली। ये इंश्योर करते हैं कि आपके आइडियाज जो प्रेजेंट किए गए हैं वो क्लियरली है, कोहेरेंटली हैं। बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर अप्रोच यू कैन इफेक्टिवली कन्वे द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यू आर एक्सप्लोरिंग एंड क्रिएट अ कंपेलिंग एंड इंफॉर्मेटिव एसे फॉर योर रीडर्स। इन तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप अपने रीडर के लिए कंपेलिंग और इंफॉर्मेटिव ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे।
अब कुछ टॉपिक्स हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड, जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ है, कि मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके क्या इफेक्ट हैं सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया कॉज और उसके इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है या उसकी वजह से इफेक्ट ये आ रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, रिमोट वर्क एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, फिर है ओबेसिटी एपिडेमिक एंड इट्स कॉजेस, फिर उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड 19 पेंडेमिक। थैंक यू।